पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन चौधरी ने एक ऐसा अनोखा ऐलान किया है जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, सचिन चौधरी ने कहा है कि अगर अमरोहा लोकसभा से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है तो वह अपने बाल मुड़वा लेंगे और गंजे हो जाएंगे, और उनका यह भी कहना है कि वह ये पूरे 5 साल तक बाल ही नहीं रखेंगे। सचिन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और इस दौरान सचिन चौधरी ने बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाने वाले सभी चैनलों को मोदी के हाथों बिका हुआ बताया। आपको बता दें कि अमरोहा लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन चौधरी ने आज कलेक्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने डीएम ऑफिस के पास पत्रकार वार्ता करते हुए सबसे पहले तो एग्जिट पोल पर सवाल उठाए और बीजेपी के पक्ष में अधिक से अधिक सीटों का एग्जिट पोल दिखाने वाले जी न्यूज, आज तक न्यूज 24, इंडिया टीवी आदि चैनल उनके संपादकों और रिपोर्टरों को मोदी के हाथों बिका हुआ बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वे सरासर बेबुनियाद है। बीजेपी कभी भी 2 का आंकड़ा छू नहीं पाएगी और बीजेपी इस वक्त बौखलाई हुई है, इसलिए वो लोग अपने पर्स में एग्जिट पोल दिखाने के लिए सेटिंग कर रहे हैं ताकि छोटे मोटे दल उनके साथ खड़े हो सके। इसके अलावा सचिन चौधरी ने पत्रकारों और एग्जिट पोल पर सवाल उठाने के साथ साथ ये भी कहा कि जो भी चैनल वाले बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उन्होंने मोदी से पैसे ले रखे हैं और वे लोग ये जानते हैं कि वह अब आगे चैनल चलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि नतीजा सामने आने वाले हैं, इन चैनलों को कोई देखेगा नहीं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई भद्दे आरोप लगाए सचिन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब हमने उनसे ये पूछा कि अगर यहाँ बीजेपी जीत जाती है तो आप क्या चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, व्यापार का क्या रुख रहेगा, तो सचिन चौधरी ने जोश में आकर कहा कि चुनाव लड़ना तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ अगर अमरोहा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है तो मैं अपना मुंडन करा लूंगा और पूरे 5 साल तक गंजा रहूंगा। मैं अपनी सीट की गारंटी ले सकता हूं, अमरोहा में अगर बीजेपी जीती तो मैं अपने बाल मुड़वा दूंगा। मैं अभी यहाँ के अपने अगले 5 साल बाल नहीं रखूंगा सर पे, सबसे ज्यादा बाल है मुझे। कौन जीतेगा? मैं कह रहा हूँ बीजेपी नहीं जीतेगी। मैं अभी टीवी दिखा रहा है कि अमरोहा से बीजेपी जीतेगी, सचिन चौधरी बाल मुड़वा देगा अपने और 5 साल बाल नहीं रखूंगा, ये मेरा दावा है। इनके इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता। और ये जितने भी वो दिखा रहे न्यूज चैनल कि अमरोहा से हम जीत रहे हैं, ये अपने बाल छोड़ो दाढ़ी कटवा दें, आजकल मतलब इतने बड़े नेता बने घूम रहे, सब झूठ ऐसा अफवाह है। एग्जिट पोल पे ना जाए। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मकसद? देखिए, एक तो जो ये एग्जिट पोल आपने देखे होंगे टीवी के ऊपर, बहुत सारे चैनल, कोई 65 दिखा रहा है, कोई 60 दिखा रहा है, बड़े बड़े चैनल जो है आपको एग्जिट पोल दिखा रहे होंगे। इस बात को मैं आपसे आज प्रॉमिस कर देता हूँ, कल का दिन का बहुत दूरी नहीं है, बहुत टाइम नहीं है, कल दिन में जितने भी एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी को कोई 60 कोई 65 बड़े बड़े एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल फेक और पेड है। और खासकर जैसे आपने देखा होगा ये न्यूज 24, 65+, जी न्यूज हो गया, जैसे इंडिया टीवी हो गया, इस तरह के जो चैनल्स हैं ये आजकल पत्रकारिता छोड़ के ये क्या है, अपनी तनख्वाह पत्नी तनख्वाह में रख लिया है मोदी जी ने, या मतलब क्या कर लिया इन चैनलों को। खासकर ये पहले न्यूज हम जब खोलते थे तो न्यूज आती थी, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जैसे मैं न्यूज खोलता हूँ तो वो मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। इसमें से एग्जाम्पल देखा मैंने रजत शर्मा जी को, एक लड़की लेडीज है वो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी करके, रोहित सरदाना, कई लोगों ने ऐसे देखे आजकल टीवी पे जो न्यूज नहीं चला रहे, वो क्या जैसे ही कोई मोदी जी के लिए कुछ कहता है वो आके एक दो घंटे के लिए सफाई लेनी शुरू कर देते हैं। मतलब मैंने ये महसूस किया है कि आजकल जो पत्रकारिता है और ये सर्वे, मुझे लगता है कुछ चैनल तो कल के बाद शायद या तो बंद होने की प्लानिंग कर रहे हैं। बंद होने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि आखिरी नकली दिखा दो, कुछ भी झूठ दिखा दो और उसके बाद जो है दोबारा यहाँ पे हमें काम ही नहीं करना, क्योंकि दोबारा ने कुछ देखेगा तो है नहीं। सत्यता यह है कि बीजेपी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, यहाँ अस्तित्व खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। जो एग्जिट पोल है वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपको, ताकि जो छोटे मोटे दल हैं वो इनसे जुड़ सके। और मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों की ये बात कर रहे हैं उसके एक तिहाई में भी, उत्तर प्रदेश में एक तिहाई में भी यहां पर
इनकी सीटें नहीं आएंगी। मैंने उस दिन भी कहा था अगर कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते तो दो का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में छू नहीं पाएगी, दो डिजिट में नहीं आ पाएगी। कोई कह रहा 350, कोई कह रहा है कितनी, टोटल मिला के 220 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का कल टच नहीं होगा। मैं भी यहीं पे हूं और आप भी यहीं पे हैं। आपने पहले भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, आपने तो चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठा दी थी। भैया हम तो बोलते हैं सच, अब हमने मोदी जी से पैसे तो लेने रखे, मुझे कोई चैनल तो चलाना नहीं है कि मुझे मोदी गुण गाने, हमें तो खेती करके अपनी अपनी धरती का सीना चीर के अपनी पैदा करके खाना होता है। अब हम रजत शर्मा तो है नहीं, मैं एक घंटे का रजत शर्मा का शो देख रहा था रात, मेरे भाई ने एक घंटे के अंदर मोदी जी की तारीफ के अलावा मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। फिर मैंने अंजनाम कश्यप लगा ली, आज तक पे आती है वो, और उन्होंने तो भाई साहब आधे घंटे मोदी जी के बारे में ये मोदी, अरे मैंने कहा यार इनको ये पहले न्यूज क्या होती, न्यूज जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, वो अभी क्या है 24 घंटे ये इश्तहार की तरह काम कर रहे हैं चैनल। और मैं इन चैनलों को भी कहना चाहूंगा अगर इस तरह से, प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं, आप दलाल की भूमिका ना निभाएं, एक पत्रकारिता का धर्म समझे, ईमानदारी से अपना खबरें दिख रहे, ये मिसगाइड करके कि क्या कर लेंगे आप, सरकार तो बीजेपी की जा रही है। अब ये सेटिंग इतनी, इतने एग्जिट पोल वही आदमी पैसे देके करवाता है जिसको कुछ सांसदों की कमी लग रही होती है, और यही सत्यता है। कल बीजेपी लास्ट है और चली जाएगी, और ये आज तक आपका जी न्यूज और ये रजत जी वाला जो भाई साहब का जो चैनल है, इन चैनलों पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं या तो कोई डील हुई है, क्योंकि मैं जब भी उन्हें देखता हूं वो पूरे घंटे मोदी जी की तारीफ करने आते हैं, चाहे डीएनए हो, चाहे मतलब कोई भी चैनल हो उनका।